हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंटीग्रेशन। तो राइट डाउन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी से क्या होगा ना, तुम्हारा क्वेश्चंस काफी आसान हो जाएगा। देखो एक तो क्या है चीज की आसान होगा क्वेश्चन, प्लस ऐसा भी है कि कुछ क्वेश्चंस जो है, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम इंडेफिनेट की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, विच आर नॉट इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, उस वो भी क्वेश्चंस क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं पैराप्रॉपर्टी से। पैरा प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है, क्या है कि अगर मैंने बोला ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या करेंगे अगर हमने लिमिट्स को इंटरचेंज किया, अगर मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल। ठीक है ना, और समझ में भी आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो एनालिटिकल प्रूफ हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो एफ एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है ना, और इस चीज का अगर एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन जी एक्स है तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, तो यू कैन सी बोथ आर इक्वल, माइनस अंदर लेके गए तो जी बी माइनस जी है। ठीक है ना, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा इसका, फिर भी इसका जैसे इसका यूज कहां होगा, मोस्टली थोड़ा प्रूफ टाइप के करने में। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं हो रहा था और अब सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दिया कि प्रॉपर्टीज का यूज करके ऐसा भी होगा कि इंडेफिनेट की तरह वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, बट प्रॉपर्टीज लगा के हो जाएगा, बट एक्सेप्शन टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा नहीं कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा के ऐसा हो जाएगा कुछ कि पहले तो सॉल्व नहीं हो रहा, हमने लिमिट्स इंटरचेंज किया, माइनस लगा दिया, आगे तो सॉल्व हो गया, नहीं। ये सब चीज कब, ये वाली प्रॉपर्टी कब काम आएगी, थोड़ा मैनिपुलेशन करने के वक्त या फिर प्रूफ वगैरह टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तब ये चीज काम आ सकती है। ठीक है, तो याद रखना इसको, लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो क्या होगा, नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ग्राफिकली समझ सकते हो, अगर मान लो एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है ना, लेट से अबव एक्स एक्सिस है, तो ए टू बी मेरा क्या होगा, लेट से मैंने लोअर लिमिट छोटा ले लिया, तो दिस विल बी एलजेब्रिक एरिया विल बी पॉजिटिव, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी टू ए नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव आगे लगा है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम डेरिवेशन वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू। इसका प्रॉपर्टी का है क्या मतलब, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस विल बी इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। देखो क्या लिखा है मैंने, हम क्या कर सकते हैं, जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है ना उसका नाम कुछ और भी बोल सकते हैं, इट विल नॉट इंपैक्ट। देखो इंडेफिनेट में ऐसा नहीं कर सकते, जैसे इंडेफिनेट में मैंने बोला इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ऑफकोर्स नहीं, बिकॉज इधर आएगा मेरा माइनस कॉस, इधर कॉस एक्स आएगा, तो अलग हो गया ना एक्स और टी। अब लेकिन इधर क्यों बराबर है, द रीजन इज देखो तुमने एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया इंडेफिनेट की तरह, तुम्हारा कुछ फंक्शन आ गया एक्स का। ठीक है, अब उसमें अब वो क्या होगा, जब तुम b रखोगे और a रखोगे तो वो x गायब हो जाएगा ना, क्या रखोगे इधर t, जैसे x का फंक्शन आया तो उसमें x के एक बार b रखोगे फिर a रखोगे, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे। अब वही चीज इधर करना है, इधर क्या करोगे, इधर इसको इंटीग्रेट करके t का फंक्शन आएगा, अब t की जगह पहले b रखोगे फिर a रखोगे सबट्रैक्ट करोगे, तो यू कैन सी कि जो x है वो गायब हो रहा है ना, मतलब इधर x का तो कोई रोल ही, मतलब रोल मेरा मतलब है फाइनल एक्सप्रेशन में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना, तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर लिख भी लो, दिस एक्स इज बेसिकली व्हाट, इंटरनल वेरिएबल, इंटरनल इसका इंपॉर्टेंस आएगा अभी देखना, एक दो और इसी के बेसिस पे मैं एग्जांपल लूंगा, लिख लो पहले इसको इंटरनल वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको भी लिख लो, फाइनल आंसर में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, फाइनल आंसर में ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट बी प्रेजेंट, इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन फाइनल आंसर। समझ में आया, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद हम लिमिट्स भी तो रखेंगे, b रख x के b रखेंगे फिर x के a रखेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो x तो नहीं दिखाई देगा ना, देयरफॉर x इज कॉल्ड हियर, x इज कॉल्ड इंटरनल वेरिएबल। तो हम इंटरनल वेरिएबल को कुछ और भी नाम दे सकते हैं।
ठीक है ना। देखो इससे तो तुम्हें वो आएगा कि इसमें क्या बहुत यूज है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना, तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है। मैंने बोला इंटरनल और एक्सटर्नल समझना जरूरी है, द रीजन इज, अब देखना, जैसे मैंने लिखा तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ लेट से एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, चलो इसको और बढ़ा देते हैं, चलो इसको इतना ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, और इधर लिख दिया मैंने डी टी लेट से, ठीक है। और चलो इधर और भी लिख देते, इधर लिख देते टेन टी, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि इंटरनल एक्सटर्नल का समझाने के लिए, लेट्स से ये कुछ तो वैल्यू है, लेट्स से इधर ए टू बी, लेट्स से इसको भी नाम दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं 1 to 2, मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा ध्यान आना चाहिए कि डी टी है, डी टी है, इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है, नॉट एक्स। एक्स हियर इज अ समथिंग लाइक अ कॉन्स्टेंट, और वी कैन से एक्स इज अ एक्सटर्नल वेरिएबल। तो देखो इस वाले इंटीग्रेशन को आई कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो, 1 से 2, यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। क्या करूं, एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर क्या इंटरनल वेरिएबल नहीं है। इंटरनल वेरिएबल को हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अब इधर मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइन जेड प्लस कॉस जेड अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टेन जेड डी जेड, दीज आर एग्जैक्टली इक्वल, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो समझ में आया इंटरनल वेरिएबल क्यों हम इसको जेड, मैंने टी की जगह बस जेड लिखा है, इस एक्स स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं किया। जैसे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, और फिर लेट से मैंने एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर को भी चेंज कर दिया, लेट से जेड स्क्वायर प्लस साइन जेड प्लस कॉस जेड अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टेन जेड, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि खुद देखो इसमें जब जैसे हम एक डाउन द लाइन स्टेप सोचो 2-3, तो क्या देखो इसमें क्या होगा, बेसिकली इसको इंटीग्रेट करोगे तुम्हारा टी का फंक्शन आएगा, टी और एक्स दोनों इन्वॉल्व होंगे उसमें, ठीक है ना। ऑफकोर्स एक्स इज लाइक अ कॉन्स्टेंट फॉर दिस फंक्शन, बिकॉज हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके जो बिफोर पुटिंग द लिमिट्स, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये इंटीग्रेट करने के बाद, वो मेरा एक्स और टी आएगा, फिर उसमें हम क्या रखेंगे, टी की जगह रखेंगे 2 और 1, तो फाइनल आंसर में एक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक्स इज वॉट हेयर एक्सटर्नल वेरिएबल, तो एक्सटर्नल वेरिएबल को हम नहीं छेड़ेंगे, एक्सटर्नल वेरिएबल मतलब फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज लाइक दिस वे। हाँ, ये जो साइन टी प्लस कॉस टी था अपॉन टेन टी था, इसको मैंने चेंज कर दिया, उसको मैं नाम कुछ और भी दे सकता हूं। द रीजन इज, इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स और टी का फंक्शन आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स और जेड का फंक्शन आएगा, इधर तुम टी की जगह 1 और 2 रखोगे, इधर जेड की जगह 1 और 2 रखोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इधर भी फाइनल रिजल्टेंट आंसर जो आएगा एक्स के टर्म्स में आएगा, इधर भी हमारा रिजल्टेंट आंसर एक्स के टर्म्स में आएगा। आपको सोचो अगर ऐसे लिख दिया तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कंप्लीट जेड का फंक्शन हो गया, ये जेड लिखा है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे dz के रिस्पेक्ट में, तो z का फंक्शन आएगा, अब z की जगह 2 रखोगे 1 रखोगे, तो x तो गायब ही हो गया, और जबकि x तो एक्सटर्नल वेरिएबल है, x तो आना चाहिए आंसर में, तो ये गलत लिखा है। तो तुम्हें फील आ जानी चाहिए कि इंटरनल वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखता हूं, तो पहले पॉज करके इसको लिख लो, जैसे मैंने एक और छोटा सा एग्जांपल, देखना ध्यान से, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ लेट से साइन टी, चलो ऐसे लिख लो इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ तो ले लिया मैंने, ठीक है ना, dx, लुक एट हियर, और लेट से मैंने इंटीग्रेट किया 1 से 2, वही चीज। तो अब मेरा देखो, अब मैं इस एक्सप्रेशन को, अब मैं ये नहीं करूंगा कि एक्स जहां जहां एक्स दिया सबको टी स्क्वायर लिखूं, देखो दिस कैन नॉट, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 साइन टी प्लस कॉस टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी डी टी, ये नहीं लिख सकते। क्यों भाई, खुद सोचो कि देखो ये जो दिया है बेसिकली, ये तो क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट क्या बोल रहा है कि इतने पार्ट को इंटीग्रेट करो और उसको x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर तो मेरा क्या है, एक कांस्टेंट आने वाला है, पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा, x का फंक्शन आएगा, 1 और 2 रखूंगा, तो दिस विल बी सम कांस्टेंट, लेट्स से 5, तो ये तो लिखा है 5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2, बट व्हेन यू विल सी हियर व्हाट यू विल गेट इज, इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो वही चीज आएगी 5, तो आंसर क्या होगा 5 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 2, तो गलत है ना।
तो समझ में आना चाहिए इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल कौन सा। अब आ गया होगा शायद मेरे को लगता है तुम्हें, ये जो चीज है ना ये वाला जो एक्स है ये बेसिकली एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है इसका मतलब क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो जब भी हम इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो केवल इंटरनल वेरिएबल चेंज करेंगे। जैसे अगर मैंने साइन एक्स को साइन टी लिख दिया, कॉस एक्स को कॉस टी लिख दिया, एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दिया, वन प्लस टी लिख दिया, इसको चेंज नहीं करूंगा मैं। तो मतलब इस वाले इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सटर्नल को चेंज नहीं करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू रहने दूंगा। और हाँ, अंदर को मैं कुछ भी लिखूं, अंदर कुछ भी लिखूंगा, अब एक्स की जगह जेड बोल दो, टी बोल दो, तो मैं इसको टी बोल रहा हूं लेट से। तो साइन टी प्लस कॉस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी डी टी, दिस इज करेक्ट। क्लियर हुआ? तो आ जाना चाहिए अब तक कि इंटरनल वेरिएबल क्या है और एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम इंटरनल वेरिएबल को कभी भी कुछ और वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल वेरिएबल क्या हो रहा है, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा फाइनल आंसर में, वो तो गायब हो जाएगा। अब चाहे तुम उसको टी बोल लो, चाहे जेड बोल लो, अगर टी बोल रहे हो तो टी की जगह तुम लिमिट्स रखोगे 1 टू 2, जेड बोल रहे हो तो जेड की जगह 1 टू 2 रखोगे, बट एक्सटर्नल को चेंज नहीं करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और अब एक लिमिट्स वेरिएबल ले लेता हूं, उसको और समझा देता हूं, तो कवर हो जाएगा ये सारा प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैंने बोला अब लिमिट्स को हम वेरिएबल ले लेते हैं, लिमिट्स में मैं एक्स वगैरह डाल रहा हूं, देखना क्या कर रहा हूं। मैंने बोला इंटीग्रेशन लेट से एक्स से एक्स स्क्वायर, और इधर लिख दिया मैंने लेट से साइन एक्स प्लस टेन एक्स, सिंपल सा ले ले रहा हूं अभी डीएक्स। चलो ठीक है, ओके चलो इधर भी मैं एक और फंक्शन लिख लेता हूं, एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइड में, चलो ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इंटरनल वेरिएबल कौन सा, एक्सटर्नल कौन सा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है बेसिकली कि, और मैं बताऊंगा भी कि इसका यूज क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना, यूज क्या है वो भी बताऊंगा। पहले सुनो, मैंने बोला कि इधर जो ये वाला एक्स है, ये एक्स और ये एक्स है ना, ये तीनों, दीज थ्री आर इंटरनल वेरिएबल, पहली बात ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज अब इस एक्स की जगह अगर मैंने मान लो टी टी लिखा होता तो कोई नहीं, इसका जो एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेट करने के बाद एक्स का फंक्शन आता, मतलब इसमें एक्स का फंक्शन आएगा और उस एक्स के पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे फिर एक्स रखेंगे। अगर मान लो इधर टी लिखा होता तो ये टी का फंक्शन आता, फिर हम टी की जगह एक्स स्क्वायर लिखते फिर एक्स लिखते फिर सबट्रैक्ट करते। तो कहने का मतलब क्या है, इधर मैंने ये एग्जांपल ये से पहले, इसमें डिफरेंस क्या है, इधर अब क्या है मेरा जो लिमिट्स दे रखी है ना एक्स स्क्वायर और एक्स, दे आर ऑल्सो इन एक्सटर्नल वेरिएबल। ये वाला एक्सप्रेशन में जो एक्स है, ये तीनों ये मेरे एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है मतलब मैं इनको चेंज नहीं करूंगा, ये तो फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स कॉस एक्स, इसको चेंज नहीं किया, लिमिट्स को भी चेंज नहीं किया क्योंकि लिमिट्स भी एक्सटर्नल वेरिएबल है। हाँ, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लेट्स से साइन टी प्लस कॉस टेन टी लिख दिया, साइन टी प्लस टेन टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है ना। तो कभी भी हम चेंज करेंगे इंटरनल को। अच्छा, मैंने बोला था ऐसा कर क्यों रहे, क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, ठीक है ना। तो बेटर क्या होता है कि जो भी इंटरनल वेरिएबल है ना उसको दो मिनट के लिए कुछ और बोल लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ, जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन कि भाई एक्स के इधर भी एक्स लिखा इधर भी एक्स लिखा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, बताऊंगा अभी आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे तो उधर कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स मतलब ये इसमें रखेंगे तो फाइनल आंसर में एक्स रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, इस टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव दोस कंफ्यूजन हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया होगा हमें, हम इंटरनल वेरिएबल मान लो लिमिट्स में और इसमें सेम इंटरनल सेम वेरिएबल यूज किया है, तो हम क्या करेंगे जो अंदर दिया है ना इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दैट इज इंटरनल वेरिएबल उसको कुछ और मान लेंगे तो कंफ्यूजन रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ सम फंक्शन ऑफ टी आएगा, लेट्स से जी ऑफ टी आया, ठीक है ना, जी ऑफ टी आया। अब मैं क्या रखूंगा, टी की जगह एक्स स्क्वायर रखूंगा फिर टी की जगह एक्स रखूंगा। अब इसी चीज को मैं अगर मान लो ऐसे बोलता, ये जी ऑफ एक्स आया फिर मैं एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख रहा हूं, एक्स की जगह एक्स रख रहा हूं, तो थोड़ा कंफ्यूजन आता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जब भी इंटरनल वेरिएबल होगा तो जो इंटरनल वेरिएबल होगा उसको हम कुछ और नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखो कहने का मेरा मतलब है कि इन एक्स ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल है इनका इंटरनल वेरिएबल से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल वेरिएबल की दुनिया अलग है, एक्सटर्नल वेरिएबल की दुनिया अलग है, ठीक है ना, मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको तुम ऐसे लिख दो, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, मान लो तुमने ऐसे लिख दिया, बहुत से लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स, देखो मैं बता रहा हूं दिस इज नॉट इक्वल टू, वो लिख देंगे एक्स को मैंने टी से टी स्क्वायर से टी से रिप्लेस कर दिया एक्स को, तो वो ये लिख देंगे साइन टी प्लस टेन टी
dt, कुछ सोचो गलत है ना ये, क्यों गलत है? देखो जब इसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, मान लो कुछ भी आया, लेट से मैंने मान लिया सिंपली लेट से x आया, एक मिनट के लिए, ऑफ कोर्स नहीं आएगा sin x का माइनस cos x tan x cos x, मैंने मान लिया x है एक मिनट के लिए, तो क्या करोगे? इस x के पहले x स्क्वायर रखोगे, फिर x के x रखोगे, तो ये कितना आ रहा है x स्क्वायर माइनस x, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली दिस आफ्टर पुटिंग द लिमिट दिस विल बी फंक्शन ऑफ x, बट अगर तुमने इधर ये भी चेंज कर दिया t से t स्क्वायर, तो ये जो तुम्हारा फंक्शन आएगा ना ये इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट्स पुट करने के बाद, वो t का फंक्शन आएगा, तो बराबर कैसे है? ठीक है ना, तो इसलिए लिमिट्स जो रही है और जो बाहर लिखा हुआ है दे आर बेसिकली एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरूर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चन में यूज होगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके ऊपर कुछ कुछ स्मार्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लिख लो प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थ्री, वो क्या बोल रहा है कि अगर मैंने a टू b f x dx दिया है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि ब्रेक करते, जैसे हमने जीरो टू पाई वाला एग्जांपल लिया था, जीरो से पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू से पाई, वही चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, बट इसको थोड़ा और अच्छे समझेंगे अभी हम। a टू b f x dx हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेट से मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट बोला c, तो जो होगा c f x dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f x dx। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? क्या बोला मैंने कि हम a टू b f x dx करना है मुझे, तो आई कैन ब्रेक द इंटीग्रेशन इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स क्या, मैं चार पार्ट में भी कर सकता हूं। लेट से मैंने इधर ले लिया c टू d, फिर ले लिया d टू b, ले लिया, तीन पार्ट में हो गया। अभी अगर चार में करना है तो d टू e, e टू b, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कितने में ब्रेक करेंगे अभी बताऊंगा, दो मिनट, ठीक है ना, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कितने में ब्रेक करेंगे, अभी समझ में आएगा, पहले तो इसको समझ लिया। अब मैंने बोला कि ये a टू b है, ठीक है ना, अब मैंने बोला क्या c जो है वो a और b के बीच में आना चाहिए, इज इट कंपल्सरी? सोचो वीडियो पॉज करके। मैंने बोला जो c है इट शुड लाई इन द इंटरवल a टू b, इज इट करेक्ट और नॉट? तो आंसर मिलेगा नहीं, जरूरी नहीं है, सी कैन लाई एनीवेयर, बट हाँ ऑफकोर्स दोनों इंटीग्रल डिफाइन होना चाहिए, वो बताऊंगा इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बोला, जो सी है वो जरूरी नहीं ए और बी के बीच में आए, ए और बी के बीच में आना है ठीक है, नहीं आएगा तो भी चलेगा, तो भी ये प्रॉपर्टी वैलिड। तो इसको हम एरिया के कंसेप्ट से समझते हैं। देखो जैसे मेरा ये एफ एक्स दिया है, लेट से दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, लेट से दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। ठीक है, अब मैंने बोला पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सी को ए और बी के बीच में ले रहा हूं, फिर मैं ए और बी के बीच बाहर लेके भी बताऊंगा कि हाउ इट इज ट्रू। तो लेट से सी इज लाइंग समवेयर बिटवीन ए एंड बी, लेट से ये सी है, तो ये जो मेरा दे रहा है, लेट से ये मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है। ठीक है ना, तो मेरे को ये एल एच एस जो है वो क्या दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ए वन प्लस ए टू, क्लियर है? और ये जो मेरा वो ये वाला जो पार्ट है ये क्या दे रहा है, ए से सी तक एलजेब्रिक एरिया कितना होगा ए वन, तो दिस विल कम आउट टू बी ए वन, एंड सी से बी तक एलजेब्रिक एरिया इज व्हाट ए टू, सो दिस विल कम आउट टू बी ए टू, तो ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। ये तो ठीक है, बच्चों को इजीली समझ में आता है, वो खुद से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब आते मेन, हम सी बाहर लेते हैं, ठीक है ना, व्हेन आई विल टेक सी आउटसाइड इन द इंटरवल ए एंड बी, तब क्या होगा सिनेरियो? देखो मैंने बोला, देखना ध्यान से सुनना, लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा एफ एक्स है। अब मैं सी को ना ए और बी के बाहर ले रहा हूं, फिर समझा रहा हूं कि कैसे बराबर आया। लेट्स से दिस इज ए वर्टिकल लाइन, दिस इज बी। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं कर्व को। लेट्स से दिस इज द पॉइंट सी, और मैंने मान लिया लेट्स से ये एरिया ए वन है, ये एरिया ए टू है, और मैं ऊपर ही ले रहा हूं एक्स एक्सिस के, तो मतलब ए वन और ए टू इंटीग्रेशन और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन भी ए टू सी ए टू बी है, मतलब मान लिया मैंने ए ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स द राइट। अब RHS देख, LHS देखते हैं हम क्या दे रहा है, बेसिकली LHS क्या दे रहा है, a टू b fx dx, तो a टू b fx dx क्या हो जाएगा, a1 वन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, दिस इज a1 वन LHS। अब RHS पे आते हैं, RHS पे जाओगे तो पहला जो टर्म है ये क्या देगा, बेसिकली a टू c fx dx, तो a टू c fx dx कितना हो गया एरिया बाउंडेड, a1 वन प्लस a2, तो ये तो मेरा है a1 वन प्लस a2 प्लस। अब मैंने बोला c टू b fx dx,
अब देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम सी टू बी जो लूंगा मैं, सी टू बी मतलब एफ एक्स तो ऊपर अभी भी ऊपर है एक्स एक्सिस के, मतलब अब पॉजिटिव है। बट अब देखो तुम कि जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये a2 अगर एरिया है इसका तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस a2, बिकॉज एरिया तो क्या इंटीग्रेशन तो क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा मैंने बोला इसका एरिया 5 यूनिट है और मान लो मैंने इसको इंटीग्रेट किया c टू b तो क्या आएगा माइनस 5 आएगा ना, दैट मींस माइनस a2, तो दिस विल कम आउट टू बी माइनस a2। ये चीज हमने कल की क्लास में परसों की क्लास में समझी थी, ठीक है ना, कि फंक्शन जो होता है जो एलजेब्रिक एरिया देता है, ठीक है ना, इसके हमने सारे केस डिस्कस किए थे, फंक्शन ऊपर है इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, फंक्शन नीचे है इंटीग्रेशन इज टुवर्ड्स राइट, फिर इंटीग्रेशन इज लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर फॉर बोथ द केसेस, तो टोटल देयर आर 4 केसेस ना, तो उसी के हिसाब से मैंने बोला ए सी टू बी एफ एक्स डी एक्स विल कम आउट टू बी माइनस a2। तो देखो a1 प्लस a2 माइनस a2, तो a2 से a2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट आउट विद a1, हियर ऑल्सो a1। तो प्रूफ हो गया कि हम सी को कहीं भी ले सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू टेक बिटवीन ए एंड बी ओनली, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक टर्म और बोला था अभी कि इफ डिफाइंड देन ओनली वी कैन ब्रेक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे मान लो मेरे को एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना है, एल एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना, लेट से मैंने लिखा लेट से 1 से लेके 3 तक, तो अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो सी कहीं भी आ सकता है, सी कैन लाई एनीवेयर, एनीवेयर से मेरा मतलब है Anywhere से मेरा मतलब है C outside भी हो सकता है, A to B interval के मतलब right में भी हो सकता है, left में भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया integration 1 से लेके minus 2 plus integration minus 2 से लेके 3, sorry हाँ correct, C मैंने minus 2 ले लिया कोई दिक्कत नहीं, but अभी इधर गलत हो जाएगा because इस interval के लिए LNX तो define ही नहीं होता है negative values of X के लिए, तो मैं ऐसे break नहीं कर सकता, ठीक है ना। Of course quantities define होना चाहिए, जैसे कि याद है कल मैंने तुम्हें एक बोला था a to a एफ एक्स डी एक्स ये जीरो होता है, बट उधर भी मैंने ऐसे बोला था कि अफकोर्स डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार ही जीरो कर दिया, जैसे ठीक है तुम इधर एफ एक्स, जैसे मैंने लिखा पाई बाय टू से पाई बाय थ्री साइन एक्स डी एक्स, सॉरी पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स, दिस विल बी जीरो, अफकोर्स जीरो, नो कोई दिक्कत नहीं इसमें, जीरो होगा 100% होगा। बट मान लो मैंने ऐसे लिख दिया माइनस 1 टू माइनस 1 एल एन एक्स डी एक्स, एल एन एक्स डी एक्स, तो इसको मैं जीरो नहीं बोलूंगा, इसको मैं अनडिफाइंड बोलूंगा, बिकॉज ठीक है लिमिट सेम है बट ये डिफाइन ही नहीं है ना फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ इंटरवल के लिए। तो वही चीज मैं इधर बोल रहा हूं कि एटलीस्ट ब्रेक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफकोर्स डिफाइन होना चाहिए वो इंटीग्रेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब मैंने तुमसे पूछा, तुम वीडियो पॉज करके खुद से सोचो एक बार, इस प्रॉपर्टीज का यूज कहां होगा, वेयर इट विल बी यूज्ड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज क्या होगा, नोट के फॉर्म में लिखेंगे हम, इसका यूज कहां होगा, खुद सोचो, खुद सोचो एक मिनट पॉज करके, इसका यूज कहां होगा, ये बहुत जगह यूज होगी, मतलब इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इसका यूज ऐसे होगा कि अगर मान लो तुम्हें फंक्शंस की मल्टीपल डेफिनेशन दे रखी है, जैसे मैंने बोला एफ एक्स इज साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू, फिर मैंने बोला एफ एक्स इज कॉस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू पाई बाय टू से पाई बाय लेट्स से 3 पाई बाय 4 एंड सो ऑन लाइक दैट में। सो ऑफ कोर्स क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे ना, जैसे मैंने बोला ये कर्व है मेरा, एक डेफिनेशन ये एक डेफिनेशन से आ रहा है और लेट्स से ये 2 पे चेंज हो रहा है, फिर एक डेफिनेशन ये आ रही है लेट्स से ये 3, अब मैंने बोला 1 से 3 तक एफ एक्स डी एक्स करो, तो डेफिनेटली यू हैव टू ब्रेक एट 2, बिकॉज 2 पे क्या हो रहा है फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हम वो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा उसको चेंज करेंगे 2 पे ब्रेक करने के बाद, मतलब 1 से 2 मेरा आएगा ये वाली डेफिनेशन प्लस 2 से 3 मेरी ये डेफिनेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो लिख लो, दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड इफ देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, जहां डेफिनेशन चेंज होगी उस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे। मैं लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखवा रहा हूं, यू राइट ऑन योर ओन, क्या बोला दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड When function changes its definition, और किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, जहां फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम नहीं बोलते कंटिन्यूटी वगैरह में, हम कंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या फिर अनडिफाइंड हो या फिर डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, वही चीजें इधर है। कहां ब्रेक करेंगे, मैंने आगे के पॉइंट पे बोल दिया, एक्चुअली क्या है आगे का सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या अनडिफाइंड हो उस पॉइंट पे हम ब्रेक करेंगे,
दो पॉइंट है, एक तो मल्टीपल डेफिनेशन, मल्टीपल डेफिनेशन है वहां ब्रेक करेंगे, मतलब मल्टीपल डेफिनेशन है अगर एफएक्स की, ठीक है ना, तो हम उसको ब्रेक करेंगे जिधर डेफिनेशन चेंज हो रही है और जिधर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है या फिर अनडिफाइंड है, वहां मैं ब्रेक करूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस देखते हैं, तो कीप दैट इन माइंड कि ये प्रॉपर्टी कहां यूज होगा, जहां मेरा फंक्शन डेफिनेशन चेंज करेगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, वहां मेरे को चेंज करना पड़ेगा, वहां मेरे को मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स, लेट से मैंने इंटीग्रेट करना है मुझे जीरो से लेके लेट से फोर, करो जीरो से लेके फोर तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो एक्स माइनस टू है, ठीक है ना, तो मुझे पता है ये टू पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, मतलब टू तक तो क्या होगा, ये एक्स छोटा होगा, तो मतलब दिस विल बी मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, और टू के बाद मतलब ये जो मेरा फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, इसको अलग से देख लेते हैं, दिस इज टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन टू, इक्वल टू लगा दो कहीं भी एक जगह, और दिस विल बी एक्स माइनस टू फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इक्वलिटी कहीं भी एक जगह लगा दो। तो टू पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, क्योंकि हमें ग्राफ भी पता है इस टाइप का, ये तो वी शेप होता है, ये तो अपने बहुत डिस्कस किया है, दिस इज वी शेप ग्राफ, जिधर मेरा टू पे रूट है उसका, क्लियर है। तो अब क्या करूं मैं इसमें, टू पे ब्रेक कर देते हैं हम, टू पे आई विल ब्रेक बिकॉज टू पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या रखेंगे हम इसको, जीरो से टू, जीरो से टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस टू से फोर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स, क्लियर है। अब जीरो से टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो जीरो से टू के लिए मॉड के अंदर जो भी लिखा है, क्योंकि ये जो जीरो से टू जो लिमिट्स होती है दे आर द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ना, हमें उसी इंटरवेल के अंदर फोकस करना है। तो क्या होगा, एक्स माइनस टू विल ओपन विद द नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, या फिर ऐसे लिख लो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन डी एक्स जीरो से टू, और ये हो जाएगा प्लस, इधर 2 से 4 के लिए मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, तो दिस विल बी एक्स माइनस टू डी एक्स 2 से 4, बस। अब तो लीनियर का इंटीग्रेशन है, तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं माइनस टाइम्स। अब देखो इसको या तो अलग अलग करके लिख लो, मतलब इसका लिख लो एक्स स्क्वायर बाय टू इसका माइनस टू एक्स, या फिर लीनियर की तरह ट्रीट करके डायरेक्टली ऐसे लिख लो एक्स माइनस टू का स्क्वायर बाय टू, क्लियर है ना। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा या एक्स माइनस टू क्या होगा, एक इसको इंटीग्रेशन दो तरीके, एक तो डायरेक्टली कर दो कि भाई इसको ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स, मतलब सेपरेटली लिख लिया, या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो एक्स प्लस टू का स्क्वायर बाय टू, ठीक है, क्लियर है। चलो तो मैंने बोला कैसे भी करो फाइनल आंसर सेम आएगा, क्योंकि इंडेफिनेट है ना, डेफिनेट है ना, लिमिट पुट करोगे तुम कॉन्स्टेंट पार्ट तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो मैंने बोला ठीक है हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स, बाकी तुम इसको एक्स माइनस टू का स्क्वायर बाय टू भी लिख सकते हो, ठीक है ना, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज हियर इज वन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने लिखा जीरो से टू प्लस इंटीग्रेशन, चलो इसको एक काम करते हैं ना, इसका हम ग्राफिकली भी निकालते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो पहले तो प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो गया, ये मेरा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं नहीं करेक्ट है 2 से 4, ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो मैंने 2 रखा इधर, 2 रखा तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 बाय 2, 2 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2, और 0 रखूंगा तो 0, तो माइनस 0, तो बेसिकली ये वाला पार्ट कितना आया, ये वाला पार्ट मेरा आया 2, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, तो 4 रखूंगा इधर, तो 4 स्क्वायर बाय 2, 4 16 बाय 2 8, 8 माइनस 8 0 आया, माइनस माइनस कैसे आ गया ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ माइनस माइनस ऑफ, अब इधर ही माइनस आना चाहिए, ठीक है करेक्ट है। तो 2 टू 4, 4 बाय 2 इज 2, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो ये भी कितना आया, ये वाला पार्ट ये भी 2 आया। देखो अभी मैंने क्या बोला, अभी मेरे को माइनस लग रहा था तो मैं अटक गया, सतर्क हो गया यार माइनस क्यों आएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ना मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है जो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, दिस मतलब मॉड फॉर कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ये तो पॉजिटिव फंक्शन है ना, नॉन नेगेटिव आई मीन, तो उसका एरिया बाउंडेड तो पॉजिटिव आएगा, बट अभी मैंने देखा यार नेगेटिव आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुई थी, ठीक है ना, इसका मतलब मैंने फिर जज कर लिया कि हाँ इधर माइनस टू है एक्चुअली,
ठीक है ना, मतलब छोटी सी चीज थी। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि डेफिनेट में तो हम क्या आंसर जो हमारा आया, अगर कुछ अजीब सा आया आंसर, मतलब कहने का मतलब एक बार हम आंसर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है ना, इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। चलो तो अब इसको मैंने बोला ठीक है मेरा 2 2 + 2 = 4 आ गया। अब हम एक्चुअल उससे देख लेते हैं ग्राफिकली, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या देता है, बेसिकली एरिया बाउंडेड देता है। तो लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, अच्छा दिस इज एक्स माइनस टू। तो ये जो अगर 2 है, अगर ये स्लोप 1 है तो एंगल ये 45 डिग्री है, तो ये 2 है तो ये हाइट भी 2 होगा, ठीक है, और ये मेरा 4 है, ठीक है ना। अच्छा तो सिमिलरली ये अगर 2 है लेंथ, ये 45 डिग्री है, 45 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज स्लोप ना x माइनस 2 का, तो ये भी 4 होगा हाइट। तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट, प्लस इसका एरिया क्या होता होगा, हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट, दिस इज 2। तो देखो 2 + 2 = 4 आ रहा है, तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा, आई विल गो विद ग्राफिकली, द रीजन इज इट इज प्रीटी सिंपल, इधर इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, इधर कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो वी विल प्रेफर ग्राफिकल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बट मुझे समझाना था कि हमको ब्रेक करना कैसे करना होता है, इसलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो एक मिनट के लिए, पहले तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो विद बोथ द मेथड्स, मेथड 1 एंड मेथड 2, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल वे। अब मैंने बोला मान लो इसका इंटीग्रेशन की लिमिट मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने बोला इंटीग्रेशन की लिमिट्स केवल मैं चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। मैंने बोला लेट्स से इसको मैंने ले लिया 4 to 6, देन व्हाट इज द आंसर। अब काफी सिंपल हो गया ये, अब ये काफी सिंपल हो गया, द रीजन इज 4 से 6 के लिए मेरे को, देखो मेरे को इस फंक्शन की का मतलब कहां है, मेरे को क्वेश्चन में मतलब है बिटवीन द लिमिट्स ओनली, अब इसके बाहर क्या हो रहा है उस फंक्शन के साथ मुझे कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस फंक्शन फॉर दिस इंटरवल ऑफ एक्स ओनली। अब वो बाद में अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या डेफिनेशन है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आई विल फोकस ओनली ऑन दिस फंक्शन फॉर दिस इंटरवल ऑफ एक्स। अब 4 to 6 के लिए अगर x 4 to 6 है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मॉड के अंदर लिखा है, अगर मॉड के अंदर जो लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड विल ओपन विद द पॉजिटिव साइड, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 to 6 x माइनस 2 dx, दैट्स इट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्लियर है। अगर यही चीज मैंने मान लो ये हुए दूसरा, अब मैं एग्जांपल तीसरा दे रहा हूं, मैंने कहा तीसरे में जैसे अब मैं चेंज कर रहा हूं, लेट्स से 0 से 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, चलो लेट्स से 0 से 1 ले लिया, चलो 0 to 1 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 to 1 ले लिया। अब मैं क्या बोलूंगा, 0 से 1 के लिए फॉर दिस इंटरवल ऑफ x जो भी मॉड के अंदर लिखा है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 2 - x dx 0 to 1, क्लियर है। बट जो मैंने एक्चुअल एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, मेरा 0 से 4 था मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी हमें कि कुछ x के लिए तो जो फंक्शन लिखा है वो मॉड के अंदर जो चीज लिखी है वो पॉजिटिव है, कुछ x के लिए नेगेटिव है। अब कौन से x के लिए पॉजिटिव है, कौन से x के लिए नेगेटिव है, वो कैसे आ रहा था, 2 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो 2 से पहले के लिए दैट इज नेगेटिव मॉड के अंदर की क्वांटिटी, 2 के बाद के लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, इसलिए हमने 2 पे उसको ब्रेक किया। इनमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर ऑल दीज x, फॉर ऑल द x लाइंग बिटवीन 4 to 6 दिस इज पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो गया, फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 to 1 मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी दैट इज नेगेटिव, सो मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, बट इन दिस केस फॉर एंटायर फॉर x लाइंग बिटवीन 0 to 4 अप टू 0 to 2 इट इज नेगेटिव एंड 2 to 4 इट इज पॉजिटिव, तो हमें ब्रेक करना पड़ा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक कहां करना है और कैसे करना है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होगी, जहां भी मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या अनडिफाइंड होगा या मल्टीपल डेफिनेशन यूज होंगी, वहां हम ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है ना। जैसे अब मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट्स से fx इज इक्वल टू x² - 3x फॉर x < 0 एंड दिस इज लेट्स से चलो x² + 2x - 3 फॉर x > 0 लेट्स से दिस इज माय फंक्शन fx, ठीक है, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, लेट्स से फाइंड इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम लेट्स से -1 से 2, ये मुझे करना है। तो क्या करूं मैं, डेफिनेशन कहां चेंज हो रही है, 0 पे, तो आई विल ब्रेक एट 0। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, इसको मैं लिखूंगा -1 से 0
प्लस जीरो से टू, ठीक है ना, सी हियर इज माई जीरो. अब माइनस वन से जीरो के लिए तो मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और जीरो से टू के लिए मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना. वी डोंट नीड टू चेक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना. फंक्शन कैसा भी हो, कंटिन्यूस हो नहीं हो, उससे कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना. हम ऐसे करेंगे. वैसे फंक्शन मैंने ऐसा लिया बनाया माइनस थ्री से थ्री एडजस्ट किया था जिससे कंटिन्यूस हो जाए, बट उसका यूज नहीं है. कंटिन्यूस हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. चलो तो अब इसको इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, जैसे क्या हुआ, चलो कर लेते हैं इसको. एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम माइनस वन टू जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर बाय टू मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स फ्रॉम जीरो से टू. मतलब अपर लिमिट रखना फिर लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना, उधर भी ऐसा करना, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है. फील आती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना. हम कब कहां कब ब्रेक करेंगे. चलो और क्वेश्चन लिखो. जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, देखना एग्जाम्पल ये तुम्हें करना है. एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स, ठीक है ना. एफ एक्स इज व्हाट मिनिमम ऑफ टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स. फाइंड इंटीग्रेशन लेट से जीरो से पाई बाय टू एफ एक्स डी एक्स. क्या लिखा उसने, जो फंक्शन है वो उसको डिफाइन कर रहा है मिनिमम, एम आई एन लिखा है, मिनिमम ऑफ टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स. वी हैव टू फाइंड जीरो टू पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स. तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं, प्रॉपरली लिख लेते हैं. कैसे लिखें, चलो एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करो, तुम एक बार ट्राई करो, ठीक है ना. गेट द फाइनल आंसर, मैं देख लेता हूं डाटा एक्जैक्टली यही है क्या. तो इफ एफ एक्स लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, देन वी हैव टू फाइंड जीरो टू पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स. करेक्ट एकदम, ठीक है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, करो एक बार. तो मैंने बोला इस फंक्शन का जैसे मुझे ग्राफ बनाना है, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही बनाना है मुझे, ठीक है ना, बिकॉज जीरो से पाई बाई टू ही मुझे वेरी इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बाउंडेड एरिया, एलजेब्रिक एरिया. तो मैंने बोला जीरो से पाई बाई टू के लिए मिनिमम ऑफ टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स. तो पहले तो मैंने क्या किया, टेन एक्स और कॉट एक्स दोनों का ग्राफ बना लिया जीरो से पाई बाई टू के बीच में. अब जो भी नीचे ग्राफ होगा वो मेरा एक्सेप्टेबल हो जाएगा. तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में टेन एक्स का ग्राफ इज दिस, ठीक है. व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ cot x, आई ड्रॉ अ डिफरेंट कलर. ये मेरा ग्राफ हो जाएगा ऐसे जाएगा इधर, तो इधर से मतलब ही नहीं है मुझे, इस साइड का छोड़ ही देते हैं. ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये जीरो. तो जो बोला ब्लू वाला ग्राफ है दैट इज फॉर tan x एंड ब्लैक वाला इज फॉर cot x. तब मुझे क्या बोला है, एफ एक्स इज मिनिमम ऑफ दिस. तो यू कैन सी ये दोनों इंटरसेक्ट क्या करते हैं, पाई बाई फोर पे दोनों की वैल्यू वन होती है, दिस वैल्यू इज वन. तो मिनिमम ऑफ, अब जीरो से पाई बाय फोर, ब्लू वाला नीचे है ना, मिनिमम बोला है, तो ब्लू वाला है क्या टेन एक्स, तो ये वाला ग्राफ खत्म. मतलब एक्चुअली ग्राफ एफ एक्स का क्या आएगा वो बता रहा हूं. और मिनिमम ऑफ दिस, अब पाई बाय फोर से पाई बाय टू क्या होगा, मेरा कॉट एक्स होगा. तो मेरी ये वाली डेफिनेशन क्या है, टेन एक्स, और ये क्या है कॉट एक्स. तो पाई बाय फोर पे मेरी डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन ग्राफ फंक्शन की. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई बाय फोर पे ब्रेक करूंगा. तो जीरो टू पाई बाय फोर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा टेन एक्स, टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाय फोर से पाई बाय टू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है. अब इसको टेन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स, और इसका हो जाएगा एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना. इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय फोर से पाई बाय टू, और ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर, ठीक है ना. चलो पूरा कंप्लीट ही करते हैं इसको. तो एल एन ऑफ सेक ऑफ पाई बाय फोर, सेक पाई बाय फोर मतलब वन अपॉन कॉस पाई बाय फोर मतलब रूट टू. तो ये हो गया एल एन रूट टू, एल एन रूट टू माइनस एल एन ऑफ सेक जीरो, सेक जीरो मतलब कॉस जीरो विच इज वन. तो एल एन वन इज जीरो, तो ये तो एल एन रूट टू आया. प्लस इस पे देखते हैं, तो पाई बाय टू इसमें रखोगे तो क्या आएगा, एल एन ऑफ साइन पाई बाय टू, एल एन ऑफ वन जीरो, तो जीरो माइनस पाई बाय फोर रखोगे तो क्या आएगा, एल एन साइन पाई बाय फोर, तो एल एन ऑफ वन बाय रूट टू, तो एल एन ऑफ वन बाय रूट टू, ठीक है. इसको मैं ऊपर लेके जाके अंदर वो चेंज कर देता हूं. सो दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज प्लस एल एन रूट टू, और ये मेरा क्या लिखा है, एल एन रूट टू. तो ये कितना टू एल एन रूट टू, टू
ln root 2 that can further be written as is power exponent ka jo power hai usko aage leke aa sakta hu so this is nothing but ln 2 to option mein kaise bhi de sakta hai ln 2 2 root 2 ln 2 ln root 2 is type se dono option de sakta hai theek hai clear hua to kaise humne break kha kiya jahan function definition change kar raha hai theek hai na pi by 4 pe chalo to video pause karo isko copy karo ab hum next question pe move karte hain let me take the next question चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखना इंटरेस्टिंग है पहले तुम लोगों को करना है 0 टू 12 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स डी एक्स करो वीडियो पॉज करके अच्छा क्वेश्चन है ये पहले जेई में आ भी चुका है इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है हमें फोकस क्या करना है जस्ट कीप दैट इन माइंड कि वी विल ब्रेक एट द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस ठीक है ना वेयर द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस अनडिफाइंड या डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है तो मतलब ब्रेक वगैरह डिसकंटीन्यूअस टाइप की चीज आ रही है अब मैंने तुमसे बोला कि देखो ये वैसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन को हो गया ये सेम क्वेश्चन हमने किधर किया है कंटिन्यूटी में इफ आई आस्क यू कि लेट सुनना देखो मैंने बोला लेट एफ एक्स इज इक्वल टू अ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एक्स सेम क्वेश्चन हमने उधर किया है किधर कंटिन्यूटी में फिर मैंने बोला फॉर एक्स बिलोंगिंग टू लेट से 0 से 12 फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा ये क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी में किया है तो बस उसको कुछ नहीं उसको इंटीग्रेशन में डाल दिया एक स्टेप ऐड हो गया ठीक है ना तो इंटीग्रेशन किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है कहां होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो बॉक्स के अंदर जो चीज लिखा हो वॉट एवर लिखा हो जैसे मैंने इधर क्या लिखा है बॉक्स के अंदर रूट एक्स तो मैंने बोला जब जब ये चीज इंटीजर को बिलोंग करेगी जिस एक्स के लिए बेसिकली जिस एक्स के लिए ये मैंने सर्कल के अंदर जो बनाया दैट इज रूट एक्स वो इंटीजर होगा वहां वहां मेरा ब्रेक होगा मैं x को इंटीजर नहीं बोल रहा हूं मैंने ये नहीं बोला कि x जहां इंटीजर होगा वहां ब्रेक करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं मैंने बोला ग्रेटेस्ट सुनना ध्यान से स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है लेट से मैंने लिखा एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स ऐसा भी एग्जाम्पल हमने किया था मैंने बोला इसको ये कहां डिसकंटीन्यूअस होगा तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स पे नहीं बोलूंगा मैं बॉक्स के अंदर जो फंक्शन लिखा है ये जब इंटीजर होगा जिन एक्स के लिए उन एक्स पे आई विल से दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे तो मैंने बोला रूट एक्स इंटीजर कब होगा देखो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वन पे एक तो इंटीजर होगा दूसरा किस एक्स के लिए इंटीजर होगा टू पे होगा क्या नहीं रूट टू आ रहा है ना थ्री पे होगा क्या नहीं रूट थ्री आ रहा है नहीं फोर पे होगा बिकॉज फोर पे एक्स इज इक्वल टू फोर पे रूट रूट ऑफ फोर कितना होगा टू और ये इंटीजर हो गया इसका मतलब टू पे भी सॉरी फोर पे भी मेरा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फिर थ्री पे होगा क्या रूट सॉरी फाइव पे होगा क्या रूट फाइव नहीं रूट सिक्स पे नहीं होगा रूट सेवन रूट एट रूट नाइन पे होगा रूट नाइन मतलब एक्स की वैल्यू क्या है थ्री सॉरी नाइन है मतलब तो वन पे डिसकंटिन्यूअस फोर पे डिसकंटिन्यूअस नाइन पे डिसकंटिन्यूअस टेन इलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व तक तो दिया इसके बाद बढ़ेंगे नहीं इसका मतलब हमें इसको इन पॉइंट्स पे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि x इज इक्वल टू वन पे वट एवर इज रिटन इन साइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज बेसिकली इंटीजर फिर फोर पे ये इंटीजर हो रहा है फिर नाइन पे ये इंटीजर हो रहा है तो अब मैं इसको कैसे करूंगा आई विल ब्रेक इट इनटू फोर पार्ट्स जीरो टू वन प्लस वन से फोर प्लस फोर से नाइन प्लस एंड लास्ट नाइन से ट्वेल्व आई होप क्लियर हो गया होगा ठीक है ना मतलब फील आ जाएगी ये सब क्वेश्चंस करने से ना जो मैं लास्ट के एक दो एग्जांपल लिए ना इससे फील आ जाएगी हाँ भाई ब्रेक कहाँ कर रहे हैं ठीक है चलो आई होप अब इतना अब इसके बाद तो बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन हो गया इसके बाद तो बहुत ईजी हो गया बहुत ज्यादा अब मैंने बोला कि जीरो टू वन के बीच में जीरो एक्स अगर जीरो टू वन है तो रूट एक्स क्या होगा अगेन रूट एक्स विल ऑल्सो लाई बिटवीन जीरो टू वन एंड जीरो टू वन में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जीरो तो दिस विल बी जीरो अब कोई बोलेगा कि सर ये वन भी एक्जेक्टली वन पे तो वन होगा तो एक्जेक्टली वन पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो थोड़ा ऐसा होता है बहुत से बच्चों का डाउट होता है जैसे मैंने उनसे बोला ना फॉरगेट अबाउट ये क्वेश्चन मैंने बोला एक मिनट के लिए जीरो टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है वो बोलते ठीक है सर जीरो टू वन के बीच में जीरो टू वन के बीच में बेसिकली
ये फंक्शन जीरो होगा, बट वन पे तो वन है ना सर, एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो सर हम एरिया जीरो कैसे लिख रहे हैं? तो मैंने तुम्हें बताया था कि एरिया जो है एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब जैसे मैंने लिखा वन टू वन एफ एक्स डी एक्स, मेरा क्या होता है? जीरो होता है। तो बेसिकली ये है क्या जीरो, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, चलो इसको समझाने के लिए मैंने बोला जीरो टू वन माइनस, मतलब वन पे मैंने ऊपर लगा रखा है, वन पे माइनस प्लस, मैं एग्जैक्टली वन टू वन लिख लेना, मतलब कहने का मतलब समझे, मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं एक तरीके से, जीरो टू वन से जस्ट पहले और फिर वन पे, तो दिस वी नो इट इज जीरो, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस ओनली। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक सिंगल पॉइंट पे एरिया बाउंडेड क्या होता है? जीरो होता है। जैसे मैंने लिखा वन टू वन एफ एक्स डीएक्स, दैट इज जीरो। सो एक केवल एक पॉइंट पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको जीरो टू वन पे ऐसा नहीं सोचना कि वन पे सर ये इंटीजर हो रहा है, ठीक है? एक पॉइंट पे है ना, एक सिंगल पॉइंट पे, कोई इंटरवल तो नहीं है ना, तो दिस इज जीरो। काफी हो गया एक्सप्लेनेशन। चलो वन से फोर, अब मैंने बोला वन से एक्स, अगर वन से फोर है तो रूट एक्स कहां से कहां जाएगा? वन से टू, और वन से टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वन, तो दिस इज वन। फोर से नाइन, अगर एक्स बिलोंग करता है तो रूट एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा? टू टू थ्री, टू टू थ्री करेगा, टू टू थ्री में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? टू, एंड सिमिलरली इट इज थ्री ईयर। तो बस ये dx dx लिखा है इसके साथ, dx dx dx, तो ये क्या हो गया मेरा, ये तो हो गया फोर माइनस वन प्लस, ये हो गया टू टू एक्स, तो टू टाइम्स x और नाइन माइनस फोर प्लस थ्री टाइम्स ट्वेल्व माइनस नाइन, तो देखते फाइनल आंसर क्या था, फोर माइनस वन इज थ्री प्लस नाइन माइनस फोर इज फाइव, फाइव टू जर टेन प्लस ट्वेल्व माइनस नाइन इज थ्री, थ्री थ्री जर नाइन, तो नौ उन्नीस बाईस, तो आंसर इज 22, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब हम कहां ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है? क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे आज का लेक्चर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, वैसे एक एक इलस्ट्रेशन और इससे रिलेटेड मुझे लेना है थोड़ा, तो दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना? तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर, जीरो टू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, और दे दिया उसने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है मेरा, तो क्या करें इसका? थिंक इट, पहले सोचो। वैसे सेम क्वेश्चन हम आगे भी चल के लेंगे व्हेन, जब हम इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, मतलब प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है ना? वो आएगा इसमें। तो जब हम इसको एक और तरीके से करेंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट से सोचो, मतलब कैसे स्टार्ट करें, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है उसने, बोला इधर, और ये हमें पता है डिसकंटिन्यूअस होता है फंक्शन इंटीजर्स पे, तो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू ब्रेक एट इंटीजर्स, ये तो बात पक्की है। और मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूं कि क्या करो, एक बार इसको ग्राफिकली समझो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक बार इसको ग्राफिकली ट्राई करो, ठीक है? अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, तुम लोग पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है? चलो, तो मैंने बोला एक मिनट के लिए ग्राफिकली देखते हैं ये फंक्शन के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसने दे दिया x is greater than 0, ठीक है ना? Keep that in mind। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना? एंड सोन ऐसे होता है, एंड सोन आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये हो गया लेट से ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? अब मेरा x कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, x कहीं ना कहीं तो राइट हैंड साइड पे लाई करेगा, तो मैंने मान लिया लेट से दिस इज x, दिस पॉइंट इज x, ठीक है ना? दिस पॉइंट इज x, तो मुझे 0 टू x तक इंटीग्रेट करना है, मतलब यहां से यहां तक इस फंक्शन का एल्जेब्रिक एरिया चाहिए। एल्जेब्रिक एरिया बोल लो चाहे एरिया बोल लो, इन दिस केस द रीजन इज फंक्शन इज पॉजिटिव एंड वी आर इंटीग्रेटिंग टुवर्ड्स राइट, तो इधर एल्जेब्रिक एरिया यूज कर लो या फिर सिंपल एरिया यूज कर लो वर्ड, इट विल नॉट चेंज माय आंसर। मैंने बोला अब मैं डायग्राम से बता रहा हूं कि मेरा एरिया बाउंडेड क्या है, तो देखना 0 टू x में एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और इधर बीच में और बहुत सारे ट्राइंगल्स और आएंगे, वो आएंगे प्लस एक ये छोटा ट्राइंगल आएगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा एक काम करता हूं मैं, इधर मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, ठीक है? डैश 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 करके एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, जस्ट अ मिनट, ये डैश 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 करके ये लास्ट सेकंड लास्ट ट्राइंगल, ठीक है? ऐसे मान लिया मैंने। अब मैंने तुम्हें पूछा
कि सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन। मैंने बोला कि इधर से लेके इधर तक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। अच्छा उससे पहले मैंने बोला एक ट्राइंगल का एरिया कितना है, ये पता है मुझे, ग्रेटर सिंगुलर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये हाइट इज वन, बेस इज वन, यहां से यहां तक, तो एक ट्राइंगल का एरिया तो हाफ है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज हाफ। अगर मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता चल जाए, यहां तक आखिरी वाले ट्राइंगल को छोड़ दो, उसको हम बाद में डील करते हैं, बिफोर दैट ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो लेट्स से पांच हुए तो हम फाइव इंटू, एरिया क्या हो जाएगा, फाइव इंटू हाफ, छह हुए तो छह इंटू हाफ, एंड सो ऑन। अब डायग्राम के हिसाब से सोचो क्या होगा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर, सच ट्राइंगल्स विल बी देयर। तो देखो अब सुनना ध्यान से, बता रहा हूं मैं, ये अगर एक्स है, ठीक है ना, मैंने इंटीजर नहीं लिया, मैंने जनरल ले लिया एक्स, देन वॉट इज दिस, कैन आई से दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर वो x है तो जो मैंने अभी मार्क किया दैट इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो कितने ट्राइंगल होंगे ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइम्स ट्राइंगल्स होंगे, दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल, दिस थर्ड ट्राइंगल, एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी माय, जैसे लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 6 है, अगर मान लो लेट्स से x की वैल्यू 6.5 है तो दिस विल बी 6, तो ऐसे 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। अगर मान लो x की वैल्यू 7.4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.4 क्या है, 7, तो ऐसे 7 ट्राइंगल बनेंगे। तो कहने का मतलब मैं कितने ट्राइंगल है टोटल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स, और एक का एरिया हाफ है, तो मैंने बोला ये जो ट्राइंगल्स हैं यहां तक के इनका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हाँ या ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टाइम्स ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल का एरिया हाफ है, तो ये एरिया हो गया जो मैंने अभी मार्क किया, ये वाला रेड वाला, ठीक है ना। अब आखिरी वाले ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक मेरा कहां से कहां डील हुआ है, यहां से लेके यहां तक पूरा, मतलब अभी मैंने एक्चुअली क्या बोल सकते हैं इसको, मैंने दो में ब्रेक किया, जीरो टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सुनना देखो ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसे ब्रेक हुआ है बेसिकली, फील समझो ऐसे, मतलब पहले मैंने क्या किया, जीरो टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकाल लिया, फिर अलग से ट्राइंगल का एरिया देखेंगे, क्लियर है, प्लस अभी छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। अब मुझे पता है कि जो जो भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें, जो जिस जो जितनी भी लाइंस हैं, दे आर ऑल ऑफ स्लोप वन, इसका स्लोप भी वन है, इसका स्लोप भी वन है, इसका स्लोप भी वन है, तो मैं इस वाले ट्राइंगल को अलग से इधर बना रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, मैंने बोला स्लोप तो वन है, ये वन है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब स्लोप 1 है तो बेस अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो ये जो हाइट होगी दिस विल आल्सो बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इनटू हाइट इज अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सो आंसर क्या आया मेरा, फाइनली माय आंसर इज हाफ टाइम्स ब्रैकेट में, ये फ्रैक्शनल पार्ट मत लिखना ना, ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, दैट्स इट, दिस द एरिया माउंटेड। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, और इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और लेना है मुझे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और चलो मैं एक काम करता हूं, दे ही देता हूं वो तुम्हें, तो तुम्हारा थोड़ा क्या कलम फास्ट कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मैं कर रहा हूं उस क्वेश्चन को तुम लोगों को होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और खुद से करना, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना, खुद से जितना हो सकता है खुद से करना, ठीक है, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी द आंसर, आई विल वेरीफाई इट, हाँ ठीक है, बट डोंट, खुद से एनर्जी लगाना उसमें, मैं बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब विदाउट एनी रिसोर्सेज या बुक्स वगैरह से तुमने देख के अगर उसको किया तो मतलब तुम्हारा अभी तक परफेक्ट चल रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, प्रॉपर तुम्हारा कवर हो जाएगा कि कैसे, मतलब अभी तक तुम क्या क्या समझे, सब कुछ एक क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, तो लिख लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 4 मॉड ऑफ टी माइनस एक्स डी टी, ठीक है, मॉड ऑफ टी माइनस एक्स डी टी, मैं थोड़ी सी भी इंट नहीं दूंगा, देन फाइंड एफ एक्स, देन फाइंड एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ब्रैकेट में लिखो विदाउट इंटीग्रेशन साइन, विदाउट इंटीग्रल साइन, ठीक है ना, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करके रख लो, एक बार रीड करता हूं मैं, लेट एफ एक्स इज 0 to 4 मॉड ऑफ
टी माइनस एक्स, ठीक है ना, मॉड ऑफ टी माइनस एक्स डी टी, मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है मेरा, ठीक है ना. देन फाइंड एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और विदाउट इंटीग्रल साइन. मतलब अभी तो क्या लिखा है, एफ एक्स की जो डेफिनेशन है उसमें मैंने इंटीग्रेशन साइन यूज किया है, बट आई हैव टू राइट विदाउट इंटीग्रेशन साइन. मतलब एफ एक्स को तुम बेसिकली इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है ना. चलो तो फिर वीडियो बस पॉज तो नहीं बोलूंगा, अगला तो करवा नहीं रहा, ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है ना. और आज मैं इनवर्स के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है ना, ड्यूरिंग डाउट सेशन, ठीक है. ओके, थैंक यू.